नमस्कार, सुबह के 10:30 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। इस बुलेटिन में बात पानी के प्रचंड रूप की। दक्षिण भारत के बाद अब उत्तर भारत में बारिश और बाढ़ ने कोहराम मचा दिया है। खासकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पानी के प्रचंड रूप से लोग बेहाल हैं। सबसे पहले आपको उत्तराखंड के कोटद्वार की हम तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों को देखिए, यहाँ एक दो मंजिला मकान देखते ही देखते कैसे गिवई नदी में समा गया। सुबह 9 बजे की ये तस्वीरें हैं, दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें। गनीमत ये रही कि इसमें रह रहे लोग वक्त रहते ही सुरक्षित बाहर निकल गए थे। गिवई नदी में आई इस भयंकर बाढ़ से कई और मकानों के बहने का खतरा है। फिलहाल प्रशासन ने नदी किनारे बसे लोगों को फौरन अपने घरों को खाली कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा है। उत्तराखंड के कोटद्वार की ये तस्वीरें, जहां देखते ही देखते दो मंजिला मकान पानी में समा गया। गनीमत ये रही कि पहले ही लोग इस घर को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए थे। लगातार हो रही बारिश से गिवई नदी किस तरह से उफान पर है, इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। चंद सेकंड में दो मंजिला ये मकान गिरकर पानी में बह जाता है। पानी का ये प्रचंड रूप और बाल बाल बच गए इस मकान में रहने वाले लोग, क्योंकि वक्त रहते ही वो ये मकान छोड़कर सुरक्षित जगह पर चले गए थे। और आइए अब आपको उत्तराखंड के हरिद्वार की तस्वीरें दिखाते हैं। हरिद्वार के चीला मार्ग पर बीन नदी में अचानक पानी काफी बढ़ गया, जिसमें एक टाटा सुमो मझधार में फंस गई। टाटा सुमो में सवार लोगों को स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से टाटा सुमो जो बीच मझधार में फंस गई, उसे निकालने की कोशिशें हो रही हैं। और बाद में ट्रैक्टर की मदद से टाटा सुमो को कैसे बाहर खींचा गया, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहाड़ों पर 2 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है। ये हरिद्वार की तस्वीरें हैं, जहाँ बीच मझधार में पानी की एक टाटा सुमो फंस गई। इसमें लोग सवार थे और देखिए फिर किस तरह से ट्रैक्टर की मदद से रस्सी लगाकर इस गाड़ी को बाहर खींचने की कोशिश हो रही है। हरिद्वार के चीला मार्ग पर बीन नदी में ये टाटा सुमो अचानक तेज पानी में जा फंसी थी, लेकिन राहत की बात यह है कि इस टाटा सुमो में सवार सभी लोगों को स्थानीय लोगों ने कुछ इस तरह से बाहर निकाल लिया। हरिद्वार के बाद अब आपको उत्तराखंड के ऋषिकेश लेकर चलते हैं। यहाँ चंद्रभागा नदी ने कोहराम मचाया हुआ है। 3 दिनों की बारिश से चंद्रभागा नदी उफान पर है। त्रिवेणी कॉलोनी में बाढ़ की चपेट में आने से आधा दर्जन से ज्यादा झोपड़ियां बह गई। 30 से 35 लोग बेघर हो चुके हैं। हम आपको बता दें कि चंद्रभागा के किनारे बसी ये जो त्रिवेणी कॉलोनी है, इसको प्रशासन पूरी तरह से अवैध मानता है। यहाँ करीब 300 लोग रहते हैं। बारिश से पहले ही प्रशासन ने यहाँ के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी दी थी, लेकिन लोग यहीं टिके रहे। भारी बारिश से चंद्रभागा नदी उफान पर और इससे सबसे बड़ा प्रभाव त्रिवेणी कॉलोनी पर पड़ा है, जिसको प्रशासन पूरी तरह से अवैध मानता है। मौसम में इस भारी बदलाव के चलते पहले ही प्रशासन ने सतर्क करके चेतावनी दी थी कि इस कॉलोनी को, इन झोपड़पट्टियों को खाली करके लोग जाएं। लोग नहीं माने, आधा दर्जन से ज़्यादा झोपड़ियाँ बह गई हैं पानी की इस तेज धार। वहीं उत्तराखंड के चंपावत में लगातार बारिश और भूस्खलन के चलते नेशनल हाईवे जगह जगह बंद हो गया है। तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। देखिए तस्वीरें, देखिए कैसे भूस्खलन की वजह से पूरा रास्ता ठप हो गया है। दलदली मिट्टी के बीच एक ट्रक भी फंसा हुआ है। तो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से पानी के साथ मिट्टी मलबा आ रहा है और जमीन ऐसी दलदली हो गई है कि एक ट्रक आप देख सकते हैं जो इस दलदली मिट्टी में, इस दलदल में फंस गया है। अब ये ट्रक ना आगे जा पा रहा है ना पीछे जा पा रहा है, और भूस्खलन के चलते रास्ता पूरी तरह से खराब हो गया है। 26 अगस्त की चंपावत की तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तराखंड की, और उत्तराखंड के कमोबेश जो भी पहाड़ी इलाके हैं वहां इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। पहाड़ों पर पानी से परेशानी की एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। उधम सिंह नगर जिले की एक तस्वीर है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में गोला नदी बारिश के बाद उफान पर है। लोग जान जोखिम में डालकर ये देखिए कैसे इस गोला नदी को पार करने पर मजबूर हैं। बाइक फंसती हुई नजर आ रही है यहाँ पर। उधम सिंह नगर जिले में पानी से सैकड़ों एकड़ फसल जो है वो भी खराब हो गई है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है और जैसे तैसे करके तेज धार में नदी पार करने को
मजबूर हैं लोग। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले की ये तस्वीरें हैं। गोला नदी का पानी उफान पर और आप देख सकते हैं जगह इस तरह से दलदली हो गई है कि कहीं बाइक फंस रही है, कहीं पानी के बीच से गाड़ियां और ट्रक गुजर रहे हैं। दो दिनों की बारिश से गोला नदी का ये हाल हो गया है, उफान पर है गोला नदी। नैनीताल जिले के रामनगर में शनिवार देर रात से हुई भारी बारिश से दिल्ली बद्रीनाथ NH 121 करीब 4 घंटे बंद रहा है। बरसाती नाले के उफान पर आ जाने के कारण ये रास्ता बंद करना पड़ा। लोग हादसों से सबक लेते नहीं दिख रहे हैं। रामनगर में भी आप देख सकते हैं कुछ ऐसा ही देखने को मिला। देखिए, सरकारी चेतावनी के बावजूद एक कार चालक उफनते नाले को पार करके चला गया और नाले में फंस गया। बाद में पानी कम होने के बाद कार सवार को निकाला गया। तो ये लोग सरकार की चेतावनी को दरकिनार करते हुए जैसे तैसे करके पार कर रहे हैं। अब कहीं पानी का बहाव तेज हुआ तो गाड़ी फंस जाती है, कहीं मिट्टी दलदली होती है तो गाड़ी धंसने का खतरा रहता है, और जब पानी का बहाव कम होता है तभी जैसे तैसे करके ये लोग निकल पाते हैं। उत्तराखंड के रामनगर की ये तस्वीर। और अब आपको ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये उत्तराखंड में चीन सीमा से सटे चमोली के कल्प घाटी की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। यहाँ भारी बारिश और बाढ़ की वजह से थोई नाले पर बना पैदल पुल बह गया। और अब ये देखिए जरा हालात कैसे हैं। स्कूली बच्चे पेड़ के तने पर चलकर उफनते नाले को पार करने पर मजबूर हैं। देख के इससे हैरान होती है। कई बच्चों ने स्कूल जाना तक छोड़ दिया। घाटी के दर्जनों गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। लोग जैसे तैसे करके खतरनाक रास्ते से पैदल चलकर अपनी ज़रूरत का सामान ला रहे हैं, लेकिन ये रास्ता बेहद खतरनाक है। वो बच्चों वाली तस्वीर तो बहुत हैरान करती है, क्योंकि पेड़ की टहनियों पर देखिए आप बच्चे कैसे बैलेंस बनाकर अपनी जान खतरे में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। ये हाल हो गया है। पानी से पहाड़ों पर ऐसी आफत और नीचे बहता हुआ नाला जिसमें ज़बरदस्त पानी भरा हुआ है। उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। थोई नाले पर बना ये पुल जब बह गया उसके बाद पेड़ की टहनियों पर चलकर बच्चे आगे बढ़ते और देखे किस तरह से दुर्गम रास्तों से, तब जबकि कई जगहों पर फिसलन है, दलदली मिट्टी है, पानी का तेज बहाव है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कई लोगों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है कई बच्चों ने। पानी का ये प्रचंड रूप जिसके चलते आम लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं उफनती हुई नदी की ये तस्वीरें, और इतनी बारिश हुई है पिछले कुछ दिनों में उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में कि हर तरफ आपको इस तरह की तस्वीरें नजर आएंगी, और ऐसे में लोगों का एक जगह से दूसरी जगह आना जाना बहुत मुश्किल हो गया। जोशीमठ में थोई नाले पर जो बना पुल है वो बह गया। अब लोग जैसे तैसे करके पेड़ों की टहनियों के सहारे दूसरे तरीकों से पार कर रहे हैं नाला, और ऐसे में अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। भारी बारिश ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा का भी बुरा हाल कर दिया है। अल्मोड़ा सेराघाट रोड पर कई जगह पहाड़ धंसने की वजह से रास्ता बंद हो गया है। लोक निर्माण विभाग JCB की मदद से मलबा हटाने की कोशिश कर रहा है। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये अल्मोड़ा की तस्वीरें हैं, 26 अगस्त की तस्वीरें हैं। रास्ते को क्लियर करती हुई JCB, क्योंकि यहाँ पर लगातार बारिश के चलते पहाड़ों से टूट कर मलबा सड़क पर आकर गिर गया, आवाजाही में दिक्कत, और ऐसे में अब रास्ता क्लियर करने की कोशिश हो रही है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारी बारिश के अलर्ट के बाद गोला नदी के किनारे जल पुलिस तैनात की गई है। ये पुलिसकर्मी 24 घंटे नदी के किनारों पर निगरानी रखेंगे। कुछ दिन पहले गोला बैराज से पानी छोड़ने की वजह से कई लोग तेज बहाव की चपेट में आ गए थे। यहाँ सेल्फी लेने के चक्कर में भी कई लोग अपनी जान दांव पर लगा चुके हैं। इसीलिए ऐसी किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए जल पुलिस को तैनात किया गया है। गोला नदी के किनारे जल पुलिस की तैनाती की गई है ताकि आम लोग किसी भी तरह से अपनी जान जोखिम में न डालें और उन पर नज़र ये जल पुलिस रख सके, तब जबकि लगातार उत्तराखंड में बारिश के बाद हालात चिंताजनक हैं। ये है ABP News, आपको रखे आगे।